My mathematics students, today we will start a new chapter whose name is Solve. आज हम chapter 9 start कर रहे हैं chapter 6 के बाद. Chapter 6 हमारा complete हो गया है और chapter 7 और chapter 8 आपका according to विद्यावार्थ syllabus आपके exam में नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम उनको छोड़ रहे हैं और chapter 9 start कर रहे हैं. Chapter 9 का जो नाम है वो Solve है. तो इनमें सॉइल के बारे में स्टडी करेंगे, सॉइल के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, सॉइल की फॉर्मेशन, सॉइल की प्रोफाइल के बारे में स्टडी करेंगे. तो सॉइल क्या है? सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि सॉइल है क्या. सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज, वो चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं. अब नेचर से क्या क्या मिलते हैं, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. तो इसी प्रकार से सॉइल भी हमें नेचर से मिलती है, तो सॉइल भी नेचुरल रिसोर्स है. सॉइल कहाँ पे आ जाती है? इट इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट. अर्थ की तीन लेयर होती है, क्रस्ट, कोर एंड मेंटल. तो सबसे ऊपर की लेयर कौन सी होती है? क्रस्ट. तो क्रस्ट की भी अपर मोस्ट लेयर जो है वो सॉइल होती है. होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी. जो सॉइल है वो बहुत से ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? होम है. जैसे कि अर्थ होम होता है, वो कहाँ पे रहता है? सॉइल के अंदर रहता है, तो इसलिए उसका जो होम हुआ वो सॉइल हुआ. इसी प्रकार से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से, सिंपल आई से नहीं देख सकते, क्योंकि उनका शेप और साइज बहुत छोटा होता है. उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी. तो बैक्टीरिया, फंगी के लिए भी सॉइल क्या है? घर है, होम है. इट सपोर्ट्स द फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. सॉइल जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करती है. कैसे सपोर्ट करती है? क्योंकि जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो सॉइल के अंदर होती है, और सोयल से ही वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती है. ये वाटर और मिनरल जो स्टेम होता है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. इस प्रकार से प्लांट्स के सभी पार्ट्स में वाटर और मिनरल पहुंच जाते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ होती है. इसके अलावा सोयल जो है वो प्लांट की रूट्स को बाउंड करके रखती है, बांध के रखती है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सोयल प्रोफाइल. सोयल प्रोफाइल के बारे में हम स्टडी करेंगे. अगर हम सोयल का वर्टिकल सेक्शन ले, इसको देखें, तो हमें सॉइल की डिस्टिंक्ट लेयर दिखाई देती है, अलग अलग लेयर दिखाई देती है. ये थ्री लेयर्स होती हैं. तो सबसे पहले लेयर जो होती है वो उसको हम बोलते हैं ए ओरिजन. ए ओरिजन में क्या होती है? इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ. ये अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर होती है, और ये कलर में डार्क होती है, और इट कैन होल्ड मोर वाटर. ये इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकते हैं. और डार्क कलर इसलिए होता है इसका, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस होता है. अब ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज अ डेड रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी आएंगे और प्लांट्स भी आएंगे. तो प्लांट्स और एनिमल्स के जो वेस्ट होता है वो ह्यूमस में प्रजेंट होता है. तो ह्यूमस जो होता है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है. तो अगर सॉइल के अंदर जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा वो सॉइल उतनी ही फर्टाइल होती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये लेयर है, ए ओरिजन, ये मोस्ट फर्टाइल लेयर है सॉइल की, और इट इज कॉल्ड टॉप सॉइल. ये टॉप सॉइल भी कहलाती है. सेकंड जो लेयर है वो है बी ओरिजन. बी ओरिजन आल्सो नोन एज सब सॉइल. इसको हम सब सॉइल भी कहते हैं. तो सबसे ऊपर की लेयर टॉप सॉइल और उसके नीचे की लेयर सब सॉइल कहलाती है. इट्स स्लाइटली हार्डर और लाइट इन कलर. ये टॉप सॉइल की अपेक्षा थोड़ी हार्ड होती है, और उसका कलर भी लाइट होता है. कलर लाइट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेस देन ए ओरिजन. तो ह्यूमस की क्वांटिटी कम होने की वजह से ये लेयर टॉप सॉइल की अपेक्षा कम फर्टाइल होती है, लेस फर्टाइल होती है, कम उपजाऊ होती है. थर्ड लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं सी ओरिजन. सी ओरिजिन क्या होती है? इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लंप्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स. उसमें पत्थर के पीस होते हैं, रॉक के पीस होते हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं, और
इसमें ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ये जो लेयर होती है ये बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती है। इसके बाद है बेड रॉक। बेड रॉक क्या होती है? हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग। ये जो लेयर होती है बहुत ही हार्ड होती है, इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि इसको खोदना डिग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो स्टूडेंट आज हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में स्टडी किया, इसको नोट्स में आपको भेज रहा हूँ और वीडियो भेज रहा हूँ, वीडियो को वॉच कीजिए ध्यान से, नोट्स को भी स्टडी कीजिए, जो कुछ समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।